हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वो जमाना गया जब जमीन से जुड़े कार्यकर्ता आम लोगों के बीच जाकर दिन रात मेहनत करते थे और चुनाव में पार्टी की जीत का आधार तैयार करते थे। वक्त बदला तो राजनीति भी बदली और राजनीतिक दलों के कामकाज का तौर तरीका भी बदल गया। टेक्नोलॉजी ने भी उनका काम काफी आसान कर दिया। यही वजह है कि अब कई पार्टियां कॉरपोरेट कंपनियों की तरह काम कर रही हैं। झोला लेकर चलने वाले और पार्टी का झंडा उठाने वालों की जगह ऑफिस के एसी कमरों में कंप्यूटर के सामने बैठने वाले सूट बूट वालों ने ले ली है। बीजेपी ने मिशन 2019 फतेह करने के लिए कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी ने देहरादून स्थित प्रदेश बीजेपी ऑफिस में कॉल सेंटर शुरू किया है। कॉरपोरेट कंपनियों की राह पर बीजेपी, प्रदेश कार्यालय में शुरू हुआ कॉल सेंटर। चुनावों से जुड़ा सारा डेटा रहेगा मौजूद। पेशेवरों को सौंपी गई कॉल सेंटर की कमान। बीजेपी को भरोसा, चुनावी तैयारी होगी मजबूत। कांग्रेस ने बीजेपी के दावे को किया खारिज। चुनाव जीतने में जितनी कला है उससे भी ज्यादा विज्ञान है और उससे भी ज्यादा बूथ मैनेजमेंट और वोट मैनेजमेंट का खेल है। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में कई राजनीतिक पार्टियां कॉरपोरेट कंपनियों की तरह काम करती हैं। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के दौरे में बीजेपी भी अपग्रेडेशन के दौर में है। परंपरागत राजनीतिक तौर तरीके से आगे निकलकर बीजेपी नए रूप में ढल रही है। रणनीति तय करने के साथ ही पार्टी जमीन स्तर पर संगठन की पकड़ मजबूत करने के लिए तकनीकी रूप से भी खुद को अपग्रेड कर रही है। इसी के मद्देनजर पार्टी के देहरादून स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कॉल सेंटर शुरू किया गया है। इस कॉल सेंटर में बीजेपी के प्रदेश संगठन की पूरी जानकारी मौजूद होगी। इसके साथ ही पूर्व में हुए चुनावों का सारा ब्यौरा और पार्टी के कार्यक्रमों का सारा डेटा मौजूद होगा। संगठन के पदाधिकारी जरूरत पड़ने पर कॉल सेंटर से कोई भी जानकारी ले सकेंगे। आईटी सेल के बाद बीजेपी का ये दूसरा विंग है जिसकी कमान पूरी तरह पेशेवर हाथों में दी गई है। बीजेपी का कहना है कि संगठन में इन सुधारों से निश्चित तौर पर पार्टी की चुनावी तैयारी मजबूत होगी। धीरे धीरे पार्टी अपने आप को अपग्रेड कर रही है उन तमाम सारी भविष्य की जरूरतों को दृष्टिगत रखते हुए, और जाहिर तौर पर है उसके लिए जो चुनाव आएंगे वो भी उसके उसी के दायरे में, उसके एम्बिट में वो भी है। चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हो, क्षेत्र पंचायत के हों, जिला पंचायत के हों, लोकल बॉडीज के हों, कॉरपोरेशंस के हों, या विधानसभा के हों, लोकसभा के हों। वहीं कांग्रेस बीजेपी की इन तैयारियों को चुनाव के लिहाज से अहम नहीं मान रही। कांग्रेस का कहना है कि जनता दिखावे पर नहीं बल्कि कामकाज के आधार पर वोट करती है और बीजेपी की सरकार इस मामले में पूरी तरह फेल है। चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे वर्तमान में डेढ़ साल से प्रदेश की सरकार है, जिससे तो ये केंद्र की सरकार ने जनता को ठगने और छलने का काम किया। कहाँ कहा था काला धन ले आएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, एक सिर कटेगा तो 10 सिर कटेगा, काट के लाएंगे, तो तमाम तरह की बातें की थी और जनता को ठगा और छला, और जनता काम के नाम पर वोट देगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की सभी 5 सीटों पर शानदार कामयाबी हासिल की थी। अब देखना है कि 2019 में वो कामयाबी का इतिहास दोहराने में कामयाब होती है या नहीं। मुद्दों पर रणनीति तय करने के साथ ही भाजपा खुद को तकनीकी रूप से भी अपग्रेड कर रही है। देखना होगा कि दोहरी तैयारी के जरिए भाजपा मिशन 2019 का लक्ष्य साधने में कितनी सफल हो पाती है। कैमरामैन पवन के साथ मैं प्रशांत राय, समाचार प्लस, देहरादून।